जो विषय पढ़ेबी भल भाव पढ़व एवं मन दे शुण तुम जान सारा विश्व कोरोना एपिजाई एक महामारी भयंकर रोग व्यापी थोड़ा जो आम गाँव गाँ सहर बजार सब बड़े बंद स्कूल शिक्षानुषान बंद तेणु सरकार शिक्षा विभाग एक सहज उपाय ऑनलाइन पाठ पढ़ाई आमको निर्देश दी जाए तुम मैंने ऑनलाइन पाठ पढ़ा को सुजोग तैयार कर तुम मैंने मन दे पढ़व शुण अभ्यास कर आज विज्ञान पढ़ेबी चतुर्थ श्रेणी विज्ञान से विज्ञान आम आज गोटे विषय पढ़ा ताद्भिदर विभिन्न अंशर कार्य उद्भिदर विभिन्न अंशर कार्य आम आम शरीर में विभिन्न अंश अच्छी कि नहीं अच्छी तेणु एटा कौन कि हाथ एटा कौन गोड़ एटा कौन नाक एटा कौन कान एटा कौन आखि तले आम शरीर आम शरीर में विभिन्न अंश अच्छी आमको कार्य करिवारे विभिन्न प्रकार अंश आमको साहय करे या आम शरीर अंग प्रत्यंग कहूँ तुमर मध्य सेमती कार्य करने तुम हाथ गोड़ तुमको साहय कर तेणु आम गोटे उद्भिदर विभिन्न उद्भिदर अंग प्रत्यंग विषय विभिन्न अंश विषय आम जाना बर्तमान देख ये गोटे चित्र दे चित्र देख ल चित्र कि चित्र कहे ये गोटे गचर चित्र ये गच चित्र मध्य प्रथम आम देखने ये मटिक धर रखे अंशटे चेर जिते बड़े गोटे छोट मंजीटे पोती दौचे से कौन प्रथम दुईट पत्र बाहर गच हो प्रथम दुईट पत्र बाहर गच्छा गचर आरंभ होगा सब आस्ते आस्ते गचटे बढ़ला बढ़िया संगे उपर क्रमश बढ़ी बढ़ी किसी बाट गला तार कौन है विभिन्न डाल शाखा प्रशाखा बाहर बर्तमान आम देखने ये मटीर या अंशटी गला चेर ये चेर विभिन्न प्रकार चेर अच्छी देखु गोटे मुख्य चेर पशी भितर को सीधा है यहाँ कहते प्रधान मूल बा प्रधान चेर ये चेर को लग से अंश शाखा प्रशाखा विभिन्न दिग्को चेर गुड़िक बाहर जाए कहते प्रशाखा चेर ये कौन है प्रधान मूल प्रधान मूल ये प्रधान मूल पाक लगे कि सब अच्छी एगुड़ कौन शाखा मूल कौन शाखा मूल बामें चेर मध्य कहू कौन कहू चेर मध्य कहू जान शाखा मूल बा चेर शाखा मूल रु देख ल तुम विभिन्न अंश सान सान अंश बाहर जाइए बाहर ना ताको कहते कौन सब प्रशाखा मूल एगुला शाखा मूल तपला प्रशाखा मूल एगुड़िक गच्छ को कौ कार्य साहय कर तुम जान कहपर एगुड़िक गच्छ को मटिक जबुड़ी धरती बारे साहय कै आम सहजे गोटे गच्छ को पेली पकईदे पार सहज गोटे गच्छ को उपाड़ी उठेदे पार ना पारे कहीं जिते गोटे बात्या पवन आसूँ गच्छ सेमती हल्ले हल्ले आस्ते पुणी रही जा कारण मटी जबुड़ी धरी मटिक चार गुड़िक जबुड़ी धरी ताद्वारा गच्छी सीधा ही ढड़ा साहय कै चेर विभिन्न कार्य अच्छी आम परवर्त श्रेणी जानवा बर्तमान देखा कांड ये मटी रु कि अंश उपर को चल जाए गचर कौन कहते कांड 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 किसी बाट लंबी गला देखुचे एगुट सब बाहर
ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଯାଇଛି, ଟିକେ ଆଚକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତା ବଢିଯାଉଛି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୁହନ୍ତି କଣ ଶାଖା ଡାଳ। କଣ କୁହନ୍ତି? ଶାଖା ଡାଳ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ଶାଖା ଡାଳ। ଏ ଶାଖା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ରମଶଃ ସାନ ସାନ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି, ଦେଖିଲେ ସବୁ ସବୁ ସାନ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ। ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ ଏଇ ସାନ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ ଯୋଉ ସବୁ ବାହାରିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗଛ, ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣିଛି ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କିରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପତ୍ର, ଗଛ ସବୁ ପତ୍ର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗଛକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଜାଣିବା। ଏଇ ଶାଖା ଡାଳ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପତ୍ର ଅଛି, ଶାଖା ଶାଖା ଡାଳ ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ ହେଲା, ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ ହେଲା କ'ଣ ପତ୍ର, ପତ୍ର ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ ରେ, ପତ୍ର ପରେ ପତ୍ର ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିବ, କଢ ହବ। କ'ଣ ହବ? କଢ। କଢ ହେଲା ପରେ କଢ ଏଟା ଦେଖ ତ କଢ ହେଇଛି, ଗଛ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ କଢ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ ଅଛି, ଏଇ ଗଛରେ ଦେଖେ ଏଇ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଢ ଅଛି। କଢ ପରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ପ୍ରଥମେ ସାନ ସାନ ଦେଖିବ ସାନ ସାନ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କଢ ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ କ୍ରମଶଃ କିଛି ଦିନ ପରେ କଢରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଫୁଲ ଆସିବ, ଫୁଲ ଆସିଲା ଫୁଲ ପରେ ଏଠି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫୁଟିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ, କଢ ପରେ ଆସିଲା ଫୁଲ, ଫୁଲ ପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଧରିଛି ଦେଖ ଫଳ ଧରିଛି, ଫୁଲ ପରେ ଆସିଲା ଫଳ, ତାହେଲେ କଢ ପରେ କଢର କ'ଣ ଆସିଲା ରେ, ଫୁଲ। ଫୁଲ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯିବ, ଫୁଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଢ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କ୍ରମଶଃ ସେ ଫଳଟି ବଢି ବଢି ବଡ଼ ହବ, ବଡ଼ ହବ ମାନେ ତା ବଡ଼ ହେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବ, ପାଚିବ, ପାଚିଲା ପରେ ପାଚିଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଣି ଖାଉନେ, ଏବେ ନଗଦ ପଣସ ଖାଇଛେ, ଆମ୍ବ ଖାଇଛେ, ସେଇଭଳିଆ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଭିତରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଏଇ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆମ ଗଛ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଚେର, ଚେରରୁ ଆସିଲା ଶାଖା ଚେର, ଶାଖା ଚେର ପରେ ଆସିଲା ଏଇ ସରୁ ସରୁ ଚେର ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାରିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ପ୍ରଶାଖା ଚେର। ଏଇ ଯେତିକି ଚେର ଅଂଶ, ଏ ଚେର ଅଂଶ ଗୁଡିକ କୋଉଠିକୁ ହେଲେ ସବୁ ମାଟି ତଳକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ବଢି ବଢି ଯାଇଥିବ, ଯେତିକି ଗଛ ବଢୁଥିବ ଚେର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତାର ଶକ୍ତ ହେଇକି ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଉଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା ଗଲା ଚେର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଏଇଟା ଗଲା ଶାଖା ମୂଳ, ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ, ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ଏଟା ଆସିଲା କାଣ୍ଡ, କାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ଏଇଟା ଶାଖା ଡାଳ, ଶାଖା ଡାଳରୁ ସାନ ସାନ ଡାଳ ସବୁ ବାହାରିଛି ବାହାରିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ। ପ୍ରଶାଖା ଡାଳ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ପତ୍ର, ପତ୍ର ପତ୍ର ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା କଢ, କଢରୁ ପରେ କଢ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଫୁଲ, ଫୁଲ ପରେ ଆସିବ ଫଳ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି କଳାପଟାରେ, ଏ କଳାପଟାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଛି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଭିତରେ ତାର କାହାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ହାତ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛି, ଖାଇବା କାମ ଆମକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଠିକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏଟା ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇ ଅଂଶ ଭିତରୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଏଇ ମାଟି ଥଳ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଚେର ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ଚେର ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ,
तेरा कार्य जाना चार कार्य से के कहले के जान के रे भलो हम रे आज तमे काम करबो मु तमे किछि आ विषय धारणा देउछि बाकी तमे घर थिबा सानो बड़ भाई भौणी मन को जे माने पाठ पढ़ुछन्ति बापा मा को पचारि बुझिबो आज ए चार कार्य कोन मु चार कार्य तमको सम्यक भाबरे अल्प धारणा देबी आ तमे आज भलो खबरे घरे समान को बुझि के आसीबो जे चार गच्छ को कोन कोई को काम रे सहाय्य करे गछर कौन उपकार तेणु आम कल की जानवा तथापि आज चेर विषय तुमको सम्यक धारणा दे जो चेरटी प्रधान चेरटी भितर चेरटी मुख्य चेर पचीटा हूँ प्रधान चेर चेर प्रथम कार्य है गच्छ को मटी देह जबड़ी रखा जिते वर्षा पवन झड़ बात आस गई रोचना अच्छा जो पिलाटी मत गाड़ी आनी दे से गच्छे उपाड़ा सहज हो ना तमें भी जान थो गाला कष्ट हुए सान गचर शीघ्र उपड़ी आज और गोटे बड़ गच को आम उपाड़े भी उठब ना के उपाड़ी पारे जेहेतु से मटी को जोर जबड़ धरी था चेर मटी को जमी गच्छ को छिड़ा कर साज्य कै गच्छ को खाद्य जोगे चेर आवश्यकता अच्छी ये चेर जो गच्छ बंची किपर बंची मन दे शुण ये चेर गुड़िक मटी खनिज लवण मटी खनिज लवण भरी रही मटी खनिज लवण जिते बड़े गच्छा गच लगे गच्छ खाली बंची करे तक आम पा देव पड़ो पा तर आधार बिना पाने गच्छ बचब ना पा आम सब दिन देवा पड़ो पानी आम जो गच्छे दबा से कौन हम से खनिज लवण से पानी सागर मिशिज खनिज लवण पानी सागर मिसले पानी आ खनिज लवण को सी चेर ग्रहण करेर ग्रहण कर शाखा प्रशाखा चेर सब चेर ग्रहण कर ग्रहण करके कौन कर विभिन्न अंश को पठेब ना गच्छ बढ़ी पार ना है आम खाद्यर आवश्यकता अच्छी पानी आवश्यकता अच्छी वायु आवश्यकता अच्छी आलोकर आवश्यकता अच्छी गच्छर आवश्यकता अच्छी आलोकर आवश्यकता अच्छी आओ पानी आवश्यकता अच्छी आओ वायु आवश्यकता अच्छी है बिना खाद्य आलोक जल वायु न बिना गच्छ बढ़ी पार ना तेणु गच्छ को चेर खाद्य जोगाड़ कर साज्य कै चेर बाटे मटी आम पा दे मटी खनिज लवण को चेर पा द्वारा ग्रहण कर क्रमश उपरक जीव प्रत्येक शाखा प्रशाखा पत्र फूल फल सब ही खाद्य ग्रहण कर खाद्य ग्रहण कले तार पूर्णता आसव गोटे सुंदर फूल हम सुंदर पत्र हम सुंदर फूल हम सुंदर फलटे हम तेणु आज आम गचर विभिन्न अंश विषय जाणिले चेरर कार्य मध्य जाणिले तो चेरर कार्य जाणिले चेरर आधिक कार्य आम घर बुझिकी आसवा बापा माँ मान को जो मैंने पाठ पढ़ते भाई भी मान को बुझा केमी चेरर कौन कार्य गच्छ को चेर कौन काम साय कै गच्छ द्वारा चेर द्वारा गच्छ केपकार पाँची भल भाव बुझे आसवा आज आम ये गच्छर विभिन्न अंश विषय पढ़ले अंश जो प्रधान मूल प्रशाखा कांड शाखा शाखा डाल प्रशाखा डाल पत्र कड़ फूल फल एगुड़ी सब अच्छी एगुड़ी पाई विषय आम जाना गच्छर सब अंश विषय धारण पाइबा तार कार्य जाना आर विभिन्न अंश विषय जान चेर कार्य जाना आर पत्र कार्य जाना पत्र कौन कार्य साय कै गच्छ को बचे पत्र किसी कार्य अच्छी कि है एगुड़क आम परवर्त श्रेणी में आलोचना करवा आज कितु जो विषय पढ़ले से ही प्रथम गुरुत्व देव घरे भल भाव पढ़व अभ्यास करसले कल मुझे आसले चेर विषय
आलोचना करी चेयर समस्त कार्य आलोचना करी चेयर किपर खाद्य पठे सा पढ़ेबी आज आम श्रेणी को ये रखा सब पाने मन दे शुणु तुमको धन्यवाद आउ प्रत्येक दिन समय ठीक समय रे तुमको मोबाइल आगे बस एवं पढ़ा कार्य गुड़िक तुम जान शुण तुम विषय को आम आगे ना आज पाठ ये रहा धन्यवाद।